स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गृह मंत्री नरोत्तम बोले, जहां से पत्थर आएंगे उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे, पत्थरबाजों को लेकर सख्ती की जाएगी। प्रदेश में अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है, पत्थर चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उनसे ही वसूली भी की जाए। यह बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को अपने निवास पर कही। उन्होंने कहा कि जिनके घर से पत्थर आएंगे उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे, यानी हम ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे ताकि इस तरह की हरकत दोबारा करने से पहले वे बार सोचें। मुख्यमंत्री भी ऐसे मामलों में आरोपियों की घर और संपत्ति नष्ट करने के आदेश दे चुके हैं। आपके द्वारा फेंकी गई मोबाइल की सिम 1,00,000 लीटर पानी दूषित करती है, इसलिए यहाँ वहाँ ना फेंके। आपके द्वारा फेंकी गई मोबाइल सिम 1,00,000 लीटर पानी दूषित करती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इधर उधर फेंका गया ई वेस्ट कितना घातक होता है, इसलिए ई वेस्ट लापरवाही पूर्वक कहीं भी ना फेंके। यदि घर में भी ई वेस्ट है तो नगर निगम की सहयोगी संस्था सार्थक के मोबाइल नंबर 7566668262 पर कॉल करें। संस्था की ओर से गाड़ी आएगी और ई वेस्ट लेकर जाएगी। आपको पैसा व सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये बात बुधवार को सार्थक संस्था की ओर से किन्नर समुदाय के बीच आयोजित कचरे की पाठशाला में संस्था प्रमुख इम्तियाज अली ने बताई। 3 किलो या उससे अधिक ई वेस्ट है तो गाड़ी उसे लेने आपके घर आएगी। यदि इससे कम है तो डीबी सिटी के सामने खड़े ई वेस्ट क्लिनिक पर दे सकते हैं। यहां से राशि और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। जरूरी जांच और दवाएं उपलब्ध कराने जुड़ा ने की सांकेतिक हड़ताल। जिम्मेदार बोले, 14 दिन में शुरू होगी सभी सुविधा। गांधी मेडिकल कॉलेज में संबंध हबीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों को जरूरी जांच और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सांकेतिक हड़ताल की। गुरुवार सुबह 9 बजे जूनियर डॉक्टर ओपीडी छोड़कर कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग के सामने एकत्रित हो गए और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए नारेबाजी करने लगे। जुड़ा भोपाल के सचिव डॉक्टर हरीश पाठक ने बताया कि नॉन कोविड मरीजों के लिए 2 महीने से अस्पताल में जरूरी जांच और दवाएं उपलब्ध नहीं है। मरीजों को मजबूरी में बहुत जरूरी होने पर बाहर से जांच कराने के लिए कहा जाता है। कई बार डॉक्टर अपनी खर्च पर उनकी जांच कराते हैं। पेट्रोल डीजल की बिक्री हर साल 7% बढ़ी, लेकिन कमाई 34%, शराब की खपत में 21% की वृद्धि, आय केवल 19% बढ़ी। राज्य में शराब की खपत हर साल 21% सालाना बढ़ रही है, लेकिन उससे राजस्व की सालाना वृद्धि 19.54% ही रही। इसकी तुलना में पेट्रोल डीजल की बिक्री में बढ़ोतरी 7% से भी कम रही, लेकिन इससे खजाने में हर साल 34% ज्यादा पैसा आ रहा है। सरकार के अपने आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार को पेट्रोल डीजल की टैक्स वसूली के लिए अपना अमला नहीं लगाना पड़ता। तेल कंपनियां खुद ही यह टैक्स एकत्र करके सरकार के खजाने में जमा करा देती हैं। लेकिन शराब समेत दूसरे मदों में राजस्व उगाही का जिम्मा सरकार के विभागों का होता है। जानकार कहते हैं कि सरकार अपने अमले के जरिए शराब समेत दूसरे मदों में आय नहीं बढ़ा पा रही है। इसका खामियाजा आम आदमी को पेट्रोल डीजल के बड़े दाम देकर चुकाना पड़ रहा है। बैरागढ़ और सीहोर में कुछ ट्रेनों के स्टॉप दिए जा सकते हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने रेल मंत्री गोयल को यात्री गाड़ियों की सूची सौंपी। भोपाल के संत हिरदाराम स्टेशन और सीहोर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए कुछ ट्रेनों की सुविधा मिल सकती है। यहां कुछ ट्रेनों को स्टॉपेज देने के संबंध में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांग की। उन्होंने कुछ ट्रेनों के इन दोनों स्टेशनों पर स्टॉप दिए जाने के संबंध में एक सूची भी सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विकास कार्यों को लेकर रेल मंत्री से चर्चा भी की। गोयल ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को निश्चित रूप से उनकी मांगों को जल्द पूरा किए जाने के लिए आश्वस्त किया है। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।